देखो भाई, किसी फॉरेन कंट्री जा रहे हो ना, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कम्युनिकेशन का मसला आ सकता है। तो इसके लिए भाई की एक ट्रिप ट्रिप नहीं, प्रो टिप याद रखनी है। वो ये है कि उनके किचन में जाना है, उनकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी लैंग्वेज में उनकी एक वीडियो बना लेनी है, और ताकि आपको पता हो कि आपने अगर कुछ खाना है तो उनको क्या दिखा के बताना है, या उनको वीडियो दिखा देनी है, या उनको नाम छोटे छोटे याद कर लेने, जैसे कि मैंने किया। यूमुर्था ओके, व्हाट इज द ब्रेड? सोरेज ओके, एंड व्हाट इज बंद है एंड कायमा कायमा यस ओके थैंक यू। अच्छा भाई, नाश्ता वाश्ता करने के बाद हमने बुलाई बोल्ट। अगर आपको बोल्ट का नहीं पता, जैसे पाकिस्तान में उबर, करीम, इन ड्राइवर, ये वो सारा कुछ है, ऐसे ही बाकू में बोल्ट है जो कि बहुत चीप है। हमने बुलाई बोल्ट, बोल्ट में बैठे और सीधा पहुंचे हाईलैंड पार्क। हाईलैंड पार्क पहुंच के जब हमने ऐसे हाई करके देखा तो वाकई हाई था, और हाई देख के हमारी तो हवाई वहीं पे निकल गई। पर ऐसे तैसे जैसे वैसे हम पहुंच गए ऊपर। ठीक है, ऊपर पहुंच के जब हमने नज़ारा देखा ना, इधर इधर आगे पीछे ऊपर, हमने कहा भाई सारे पैसे इस नज़ारे के हैं। अगर हमने 300 400 नहीं 400 5 काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, आपको वीडियो में नज़र आ गए होंगे कितनी सीढ़ियाँ थी। ऊपर जब चढ़े ना तो सारे पैसे सीढ़ियों के पूरे हो गए जो हमने मेहनत थकन की। सबसे पहले हमने नज़ारा लिया, और नज़ारा करने के बाद रशियन, मतलब रशियन एक ग्रुप आया हुआ था, वो अपना म्यूज़िक व्यूज़िक चिल कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। हमने कहा बोला हम पीछे क्यों रहे, हमने उनकी पार्टी को जो है ना वो ज्वाइन किया। Точно так же слова мои произнесет Максим Вязовцев, Максим Батрев и Алексей Шевцов. Слова любви. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью. Ну а впрочем, следующей ночью. Следующей ночью. Следующей ночью.
medo de nojo. E essa exagoge e a dragão de अच्छा, इसके बाद हम गए ना मस्जिद ऊपर। मस्जिद ऊपर जाके हमने ये वाले नज़ारे देखे। ओके, इस वक्त हम हैं हाईलैंड पार्क में और ये यहाँ का व्यू है। दिस इज़ द अमेजिंग व्यू। ये सामने फ्लेम टावर्स है। दिस इज़ द फेमस फ्लेम। This whole thing has its own history. अच्छा, ये जो है ना फ्लेम है, इसकी कोई हिस्ट्री? इस तरह के बाकू को सिटी ऑफ फ्लेम्स भी कहा जाता है क्योंकि बाकू की हिस्ट्री पुराने जो लोग थे ना, मतलब मंगोलियन और आगे मंगोलियन से इनकी जाके जो है ना कहीं मिलती है, मंगोलियन ने राज किया इन पे, तो ये उनकी टेरिटरी का हिस्सा था। तो फ्लेम जो है ना वो इनकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा। और बाकू में मुख्तलिफ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर मतलब सदियों से आगे लगी हुई हैं और वो बुझने का नाम नहीं ले रही। और ये वाली जो स्पेसिफिक जगह है, ये इनकी कोई जंग हुई थी। कौन सी जंग हुई थी वो एक अलग कहानी है। उस जंग की मेमोरियल की याद पे बनाया गया क्योंकि यहाँ पे इनके बहुत सारे जो है ना वो जवान शहीद हुए थे, उसकी याद में जो है यहाँ पे रोज़ फूल भी चढ़ाते हैं और इन्होंने एक जिसे कहते हैं कि एक टूरिस्ट स्पॉट सा बना दिया। ये समथिंग उनकी अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंड दिस थिंग हैज इट्स ओन हिस्ट्री। ओके जी, आज के लिए इतना ही। ये हाईलैंड पार्क का था व्यू और आगे बहुत सारी अमेजिंग जगह आने वाली है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया काहे नहीं किया, सब्सक्राइब करो। और वीडियो देख लिया तो लाइक करो और शेयर करनी है तो शेयर भी कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। ये क्या मक्खियाँ उड़ा रहा हूँ मैं यार, बाय।